हाय एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप? कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज मेरा कोई ब्लॉग नहीं है, ये एक वीडियो है जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैंने अपनी पुरानी चीजों को जो मेरे घर में वेस्ट थी उनको कैसे यूज करके अपने घर को ऑर्गेनाइज किया है और डेकोरेट किया है। अगर आपको कुछ भी इसमें से अच्छा लगता है और यूनिक लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं अपने ड्रेसिंग टेबल ऑर्गेनाइजेशन की। तो यहाँ पर ये मेरे पास कप्स का जो एक स्टैंड होता है जिसके अंदर कप्स आते हैं वो बॉक्स, तो उसके अंदर मैंने यहाँ पर तविश के कुछ हेयर बैंड्स रखे हुए हैं और ये मेरे क्लचर्स हैं और साथ ही साथ इसके अंदर ये बड़े वाली पिंस हैं। तो ये सारा सामान रखने के लिए मैं ये यूज़ करती हूँ। ये मैंने एक बार आपको बहुत पहले अपना ड्रेसिंग टेबल ऑर्गेनाइजेशन दिखाया था, तब भी मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है कि मैं इस कप वाले बॉक्स के अंदर ये जितना भी सारा सामान है वो रखती हूँ। और साथ ही तवीशी का भी आपको ऑर्गेनाइजेशन दिखाती हूँ, उसको भी बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखना अच्छा लगता है। तो यहाँ पर ये पेपर है, जैसे ये कलरफुल खाने वगैरह के पेपर आ जाते हैं तो उसको दो तीन बार फोल्ड किया हुआ है उसने, और यहाँ पर उसने अपने टिक टैक्स जो है पेयर में ऐसे लगाई हुई हैं। तो इससे क्या होता है, उसको पेयर वाली जितनी भी होती हैं अपने क्लिप्स वगैरह आसानी से मिल जाती हैं और ये कहीं गुम भी नहीं होती हैं। तो वो अपनी सारी जो टिक टैक पिंस हैं इस तरीके से अरेंज करके रखती है। आप चाहें तो जो पेस्टल शीट्स आती हैं घर में उन पर भी ऐसे ही पेयर बना के सभी टिक टैक्स का रख सकते हैं। थर्ड नंबर पर अगर बात करें तो वो है ये मेरे पास एक बॉक्स। ये एक्रेलिक पेंट का बॉक्स था जिसका कवर टूट गया था, क्रैक हो गया था, तो फिर इसके अंदर मैंने नेल पेंट रख लिए हैं। तो सारे के सारे नेल पेंट जो हैं इसके अंदर ऐसे डिस्प्ले में दिखाई देते रहते हैं कौन कौन से कलर हैं मेरे पास। तो जब भी मुझे जो चाहिए होता है मैं इसे घुमा कर देख लेती हूँ और इसे यूज़ कर लेती हूँ। तो ये देखने में भी काफ़ी खूबसूरत लगता है। जब हम शॉप पे जाते हैं तो हम देखते हैं कि उनके डिस्प्ले में भी कुछ इसी तरीके के बॉक्स में उनके नेल पेंट रखे हुए होते हैं, तो बस उसी से ही ये आइडिया लिया है मैंने। ऐसे ही ये जो है मेरे पास ये है, इसके अंदर साइकिलिंग शॉर्ट्स आई थी या फिर इसके अंदर लेगिंग आई थी, तो ये मैंने फेंके नहीं, ये कुछ इस तरीके से हैं और इसके अंदर ये ऐसे बटन भी लगा हुआ है। तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, इसके अंदर जितनी भी बिंदी के पत्ते हैं वो रख लेती हूँ, तो सामने से ऐसे दिखाई देते रहते हैं। ऐसे मेरे पास दो हैं, एक ही इसमें मैंने बड़े वाले रखे हुए हैं। जब हम मार्केट जाते हैं तो उनके भी डिस्प्ले में कुछ ऐसे ही इस तरीके से बिंदी के पत्ते रखे हुए होते हैं, तो जो हमें चाहिए वो सामने से हम ले लेते हैं। तो उसी का ही ये आइडिया है, उससे मैंने ये बनाया है। इससे पहले भी मैंने एक चीज़ बनाई हुई थी, वो है ये ऑर्गेनाइज़र मैंने बहुत पहले बनाया था बिंदी वाला, और ये कुछ ऐसा है। इसके अंदर मैंने जितनी भी बिंदियाँ मैं यूज़ करती हूँ वो सभी उनके पत्ते इस तरीके से चिपकाए हुए हैं। जो भी चाहिए होता है मैं इसमें से निकाल लेती हूँ। तो बिंदी ऑर्गेनाइज़र करके आप ढूंढ सकते हैं, मेरे आपको चैनल पर ये मिल जाएगा। तो ये दो बिंदी ऑर्गेनाइज़र हैं जो मेरे बहुत ही काम आते हैं। हालांकि मेरे पास बिंदी का बहुत बड़ा कलेक्शन तो नहीं है, लेकिन जो भी है मैं इस तरीके से रखती हूँ और ये कहीं गुम भी नहीं होती हैं। अगर बात करें तो ये हैं सीडी के एक अवर, जो कि मैं आजकल अपनी ज्वेलरी रखने के यूज़ में लेके आती हूँ। तो यहाँ ज्वेलरी इस तरीके से रखी रहती हैं, गंदी भी नहीं होती हैं ये वाली। और इसी के साथ फिर मैंने इनके ईयर रिंग्स भी इन्हीं के अंदर ही डाल के रखे हुए हैं, ताकि जब भी मुझे पहनना हो तो इनका पेयर मुझे आसानी से मिल जाए। ऐसे ही ये मैंने इसके अंदर रखा हुआ, और इसका ईयर रिंग आप देख सकते हैं यहाँ है। तो ये जो कवर हैं आजकल बहुत ही यूज़ आ रहे हैं, आपके पास भी होंगे तो आप इस तरीके से अपनी ज्वेलरी वगैरह को रखने में यूज़ कर सकते हैं। ये वाला बॉक्स जो आप देख रहे हैं बैडमिंटन के लिए जो शटल होती है, तो ये उसका कार्डबोर्ड वाला बॉक्स है जिसके ऊपर मैंने पेपर ऐसे लगा दिया था, और इसके अंदर मैं अपनी जितनी भी जूड़ा पिन वगैरह है वो रखती हूँ जो बहुत ही कम यूज़ होती हैं। और इसके अंदर ये काफ़ी सालों से रखी हुई हैं, कम से कम इन्हें 10-12 साल तो हो गए ही होंगे, ये मैंने ऐसे संभाल के रखी हुई हैं। कभी कभी ऐसा होता है पार्टी वगैरह में गई तो फिर ज़रूरत पड़ती है, तो फिर मैं यहाँ से निकाल लेती हूँ। वैसे भी इसमें ये जो चीज़ है काफ़ी कम यूज़ होती है, इसलिए मैंने इसके अंदर ये संभाल के रखा हुआ है, और इस कार्डबोर्ड बॉक्स का यूज़ भी अच्छे से हो गया है। और ये तविशी की इसके अंदर वॉच आई थी, तो तविशी उसको अपने रूम में रखती है, कैसे रखती है मैं आपको अभी दिखाऊंगी। और इसके अंदर मेरी सारी सेफ्टी पिंस हैं तो वो अच्छे से संभाल के रखी हुई है मैंने। ये
ये जो है ये चॉकलेट वाला बॉक्स है जिसके अंदर वो गोल वाली चॉकलेट आती हैं, फरेरो रोशेल बोलते हैं जिनको, तो इसका ये मुझे लगा कहीं पर मैं यूज़ कर सकती हूँ। इसमें आप देख सकते हैं ऐसे छोटे छोटे से ये वाला स्पेस है, तो इसके अंदर मैंने अपने जितने भी छोटे वाले इयर रिंग्स हैं वो संभाल के रखे हुए हैं, और साथ में ये साड़ी वाली जो पिन होती है वो भी मैंने इसमें रखी हुई है। तो ये भी काफ़ी अच्छा आइडिया है, अगर आप अपनी रिंग्स या फिर ईयर रिंग्स संभालना चाहते हैं जो बहुत ही छोटे छोटे हैं साइज़ में, तो वो आसानी से रखे जा सकते हैं। और इसी तरीके से मैंने इन्हें ड्रॉर में डाला हुआ है, और यहाँ पर ये एक पोटली है, इसके अंदर ये बड़े वाले जो ईयर रिंग हैं वो रखे हुए हैं कुछ, और साथ में ऐसी पोटली आपको गिफ्ट्स वगैरह में बहुत मिल जाती हैं, तो इनके अंदर मैं जितने भी कॉइन्स वगैरह होते हैं वो संभाल के रखती हूँ। तो इस तरीके से ये वाली पोटली भी बहुत काम आती है, और इसके अंदर मैंने तविशी के ब्रेसलेट्स वगैरह रखे हुए हैं। ये मेरे पास एक कॉफी मग था और ये काफ़ी हैवी था, इसके अंदर कॉफ़ी या चाय पीना बहुत ही मुश्किल था क्योंकि इसका वेट इतना ज़्यादा है, इसको हाथ में लेकर चाय पीना बहुत ही मुश्किल काम हो जाता था। तो फिर मैंने क्या किया, इसको अपने कॉम्ब्स वगैरह को ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज़ किया हुआ है। तो ये काफ़ी हैवी है, तो इसके अंदर कॉम्ब अगर डालेंगे भी तो ऐसा नहीं है कि ये लुढ़क जाए, तो इसलिए मैं इसको कॉम्ब को रखने के लिए यूज़ करती हूँ। और काफ़ी अच्छा ऑर्गेनाइज़र है, पिछले 3 से 4 साल से मैं ऐसे ही यूज़ कर रही हूँ उसको, और बहुत ही हेल्पफुल है ये। ये मेरे पास ना एक कार्डबोर्ड का बॉक्स है, इसके अंदर ना कुछ कॉस्मेटिक्स आया था, और फिर ये कार्डबोर्ड बॉक्स मुझे काफ़ी अच्छा लगा, पूरा ब्लैक कलर का था, इसमें जो ब्रांड थी इसके कवर पे लिखी हुई थी, तो वो कवर तो मेरे पास है नहीं, वो क्रैक हो गया, लेकिन इसको मैं अपनी सारी जितनी भी सॉक्स होती हैं ना उनको रखने में यूज़ करती हूँ, तो ऊपर और नीचे इसमें काफ़ी सारी सॉक्स आ जाती हैं, और ये भी काफ़ी सालों से मेरे पास है, और बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज़र है ये। अगर आप अपनी सॉक्स इसमें रखना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छे से ये आप ऐसे संभाल के रोल करके रख सकते हैं। इसके बाद अगर बात कर लेते हैं, तो ये मेरे पास एक कार्डबोर्ड का बॉक्स था जिसको मैंने यहाँ पर न्यूज़पेपर जो होते हैं ना उससे इसको कवर कर दिया, और पिछले 3 साल से इसे यूज़ कर रही हूँ, तो ऐसा नहीं है कि ये पेपर फट गया, मैं इस पर मैंने कोई भी इस पर कपड़ा नहीं लगाया, काफ़ी लोग इस पर कपड़ा लगा देते हैं, लेकिन मैंने ऐसे ही इस पर पेपर लगा दिया था, और फिर इसके अंदर मैं अपनी जितनी भी टी शर्ट्स होती हैं वो सारी रोल करके रखती हूँ, और ये भी बहुत ही सालों से मेरे साथ है, ना ही ये फटा ना टूटा ना इसका पेपर ऐसे निकला। तो आप अगर ईजी वे में अपना कोई भी ऑर्गेनाइज़र बनाना चाहते हैं कार्डबोर्ड यूज़ करके अपनी अलमीरा के लिए, अपनी कबर्ड के लिए, तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। न्यूज़पेपर भी इस पर लगा हुआ काफ़ी अच्छा लग रहा है। कलरफुल पेपर मैंने इसलिए नहीं लगाया कि हो सकता है अगर मैं इस पर कलरफुल पेपर लगाऊं जो आते हैं गिफ्टिंग पेपर, तो ऐसा ना उनका कलर छूट छूट के कपड़ों पे लग जाए और हमारे जो कपड़े हैं वो ख़राब हो जाएं, तो मुझे ये न्यूज़पेपर वाला जो ऑप्शन था काफ़ी अच्छा लगा। ये है मेरी बेटी का रूम, जैसे मैं अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ ऐसे ही तविशी को भी अपनी सभी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके रखना बहुत ही पसंद है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये एक बॉक्स था जिसमें कुछ स्टेशनरी का सामान आया था, और ये रेड कलर का है, और इस पे तविशी ने कुछ स्टिकर्स वगैरह और कुछ ये इस तरीके का काम किया हुआ है, और फिर इसके ऊपर इसने अपने भगवान जी को स्थापित किया हुआ है, तो सरस्वती माँ और साथ में ये गौतम बुद्ध हैं, ये उसे किसी ने गिफ्ट में दिए थे, तो इसलिए इसने इनको यहाँ पर रखा हुआ है। तो ये रेड कलर का बॉक्स है, इसके ऊपर ये रखे हुए भगवान जी बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, तो इस तरीके से आप भी अपने बच्चों के रूम में रख सकते हैं। तविशी ने ये खुद किया है, ये उसकी क्रिएटिविटी है, तो मैंने सोचा आपको दिखा देती हूँ। ऐसे ही मैंने बताया था आपको, उसने अपनी वॉच को ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है, तो ये इसके स्टडी टेबल पर ही पीछे ये बोर्ड है, पिन बोर्ड जिसे बोलते हैं, तो अपनी वॉच जो है वो यहाँ पर इस तरीके से हैंग करके रखती है, उसे अब बॉक्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। और इसके बाद अगर साइड में चलें तो ये जो है आप देख रहे हैं ये एक ट्रे थी जिसके अंदर इसने अपना जितना भी सामान है वो रखा हुआ है। तो सबसे पहले अगर बात कर लेते हैं, ये पोस्टर कलर का बॉक्स है, एक मिनट मैं अभी ओपन करके दिखाती हूँ। ये एक पोस्टर कलर का बॉक्स है और इसके अंदर मुझे भी नहीं पता इसने क्या रखा हुआ है, तो इसमें इसने ये सेलो टेप्स रखी हुई हैं, कुछ इसके अंदर इसने क्या है ये शार्पनर्स रखे हुए हैं, इरेजर्स रखी हुई हैं, और नीचे इसने ग्रीन कलर का जो पेस्टल शीट है वो लगाई हुई है, तो ये भी देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है।
हालांकि इसने अभी इसे ऊपर से कलर वगैरह कुछ नहीं किया हुआ है, ऐसे ही इसको यूज़ किया हुआ है, लेकिन सामान ये है कि इसका अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड वे में रखा हुआ है। एक ये वाली बॉटल है, ये सॉस की बॉटल है, ये भी तविशी ने ही कलर की थी और इस पर एक स्माइलिंग फेस बनाया हुआ है इसने। और इसके अंदर यहाँ पर ऊपर आप देख सकते हैं ये रेड कलर से डिज़ाइन बनाया और इसके अंदर इसने एक ये फ्लावर रखा हुआ है, तो ये भी इसके टेबल पे रखा हुआ बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसके बाद यहाँ पर इस ट्रे के ऊपर इसने पेस्टल शीट्स से इसको कवर किया हुआ है ताकि इसका जो पुराना ख़राब सा डिज़ाइन है वो दिखाई ना दे। और यहाँ पर ये पेपर वेट है और साथ में यहाँ पर ये जॉनसन एंड जॉनसन्स के जो ईयरबड्स होते हैं ना उसका ये बॉक्स है और इसका भी इसने स्माइलिंग फेस बनाया हुआ है ऐसे, और इसके अंदर इसने कलर्स रखे हुए हैं। तो देख सकते हैं आप ये ट्रे का कितना बेहतरीन उसने यूज़ किया हुआ है। तो जैसे मैं थोड़ी सी क्रिएटिव हूँ ऐसे ही तविशी भी थोड़ी सी क्रिएटिव है, वो भी अपनी क्रिएटिविटी यूज़ करके कुछ ना कुछ करती ही रहती है और बहुत अच्छी बात है ये। बच्चे हम लोगों से ही सीखते हैं, तो कुछ ना कुछ उसने मुझसे सीखा है, कुछ अपनी क्लास से सीखा है, अपनी मैम से सीखा है, अपने क्लास के बच्चों से सीखा है। तो ऐसे ऑर्गेनाइज करके हर चीज़ को रखना कितना खूबसूरत लगता है। और आप देख सकते हैं इसकी ये छोटी सी टेबल ही कितनी प्यारी और कितनी कलरफुल लग रही है। ने इसने इस वाली अलमीरा को जो इसकी स्टडी टेबल के ऊपर ही है तो वहाँ पर ये टॉयज रखे हुए हैं। तो आप इस तरीके से सुंदर सुंदर जो बच्चों के टॉयज होते हैं आपके घर में वेस्ट पड़े हों तो उन्हें फेंके नहीं, आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। तविशी ने इनका बहुत ही अच्छे से यूज़ किया है। ये एक्चुअली मेरी छोटी बहन के बेटे के टॉयज हैं, तो ये वेस्ट थे, बिल्कुल ख़राब हो गए थे, तो तविशी लेकर आ गई थी कि मौसी जी मुझे दे दीजिए और मैं इसको डेकोरेशन में यूज़ करूँगी। तो आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत लग रहे हैं। तो पुरानी वेस्ट चीज़ों को ऐसे आप अपने घर की डेकोरेशन या ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही ये मेरे पास एक लकड़ी का जो कैरम बोर्ड होता है जो काफ़ी पुराना हो गया था वो मैंने यूज़ किया है। हालांकि जो कैरम बोर्ड है वो इसके नीचे है, उसको मैंने नहीं छेड़ा है। इसके बैक साइड में एक और गेम था जो काफ़ी बेकार और काफ़ी पुराना हो गया था, तो मैंने उसके ऊपर ये कलर किया और यहाँ पर मैंने इसको एक ट्रे की तरह यूज़ किया हुआ है अपनी किचन के अंदर। और इसके अंदर मैं यहाँ पर अपनी जो मिक्सी है उसकी ये मोटर रखती हूँ और साथ में ये एक और कैटल है जो मेरे पास ख़राब हो गई थी, इसका ऊपर का जो ढक्कन है वो टूट गया था, तो मैं इसको ऐसे प्लांटर की तरह यूज़ करती हूँ। और इस पर ये आइज़ वगैरह मैंने ही बनाई है और तो ये भी किचन में रखा हुआ काफ़ी सुंदर लगता है। ये मेरे पास एक बॉक्स है जिसके बारे में काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं कि ये आपने कहाँ से लिया। ये मेरे पास किसी कॉस्मेटिक का एक बॉक्स आया था जिसको मैं ऑर्गेनाइज़र की तरह ही यूज़ करती हूँ अपने किचन में और आपको दिखाती हूँ। इसके अंदर मैंने रखे हुए हैं अपने किचन टॉवल्स, तो ये इस तरीके से रोल होकर इसमें रखे रहते हैं। जो मुझे यूज़ में आते हैं, जो मुझे यूज़ करने हैं, वो मैं निकाल के बाहर रखती हूँ। बाकी सभी जो काम के नहीं हैं, जिनको मैंने वॉश किया हुआ है, वो मैं ऐसे रोल करके इसके अंदर डाल देती हूँ। ऐसे ही मेरे पास ये दो मेजरिंग कप्स हैं और इनको मैंने फेंका नहीं। काफ़ी बार होता है कि हम लोग इन्हें वेस्ट समझ के फेंक देते हैं, तो मैंने तो इनके अंदर जैसे मेरी ये कुकर की सीटी है ये मैं संभाल के रख देती हूँ और जैसे हींग की डिब्बी है ये भी मैं संभाल के रख देती हूँ, तो ये कॉर्नर में ऐसे कहीं पर भी किचन में संभाल के रखे जाते हैं। तो आप भी इन्हें इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ों को संभाल के रखने, ऑर्गेनाइज वे में रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये मेरे पास एक ड्राई फ्रूट्स का बॉक्स था जिसके अंदर कुछ भी नहीं रखा जा सकता था, तो मैंने इसे डेकोरेशन के लिए यूज़ किया। सिर्फ इसमें ड्राई फ्रूट्स ही आ सकते हैं, आप इतना बड़ा नहीं है कि आप इसमें ज्वेलरी वगैरह या कुछ भी रखें, तो यहाँ पर ये डेकोरेशन की तरह यूज़ होता है। और इसके ऊपर मैंने एक ये प्लांटर रखा हुआ है और साथ में ये एक बॉटल है जो मेरे पास वेस्ट थी, तो इसके ऊपर भी मैंने ये डिकोपाज करके और इसको इस तरीके से रखा हुआ है। और ये पॉम पॉम्स हैं जो मैंने ऐसे स्टिक पर लगाए हुए हैं। ऐसे ये है एक टेबल रनर, तो जो मेरे व्यूअर्स पुराने हैं उनको तो पता होगा, लेकिन कुछ लोग ऐसा भी होगा जो मुझे नए देखेंगे, तो ये मैं उनको बता देती हूँ। यहाँ पर ये मैंने एक कर्टेन था जो ख़राब हो गया था, तो उसके ऊपर मैंने यहाँ पर एलिफेंट का जो है स्टेंसिल से एलिफेंट बना दिए थे। और मेरे पास सिलाई मशीन नहीं है, इसके कॉर्नर्स को मैंने जो फेविक्रिल ग्लू होता है, फैब्रिक ग्लू होता है, उससे इसको
चिपका दिया था और ये काफ़ी अच्छे से यूज़ हो रहा है। मैंने एक दो बार इसको धो भी दिया है। और आप भी कर्टेन वगैरह यूज़ करके इस तरीके से कोई भी चीज़ अपने घर के लिए बना सकते हैं। ये मेरे पास एक स्टील की ट्रे थी जो बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती थी, काफ़ी ख़राब हो गई थी, तो मैंने इसके ऊपर पहले रेड पेंट किया था, तो ये इस ट्रे पर रेड भी नहीं अच्छा लगता था। लेकिन जब से मैंने इसके ऊपर ऐसे वाइट कलर किया है और मैंने इस पर एक्रेलिक कलर किया हुआ है, तब से ये काफ़ी अच्छी लगने लगी है। और इसके ऊपर मैंने जो ये प्लांटर रखा हुआ है रेड कलर का, रेड और वाइट का ये जो कॉम्बिनेशन है बहुत ही सुंदर लगता है। और साथ में मैंने ये बुद्धा जी का फाउंटेन रखा हुआ है, तो ये भी काफ़ी खूबसूरत लगता है। यहाँ पर ये वाले आप कुशन्स देख रहे हैं, तो ये मेरे पास दो पिलो कवर पड़े हुए थे जिनको मैंने, जो काफ़ी ख़राब हो गए थे, तो उनके कवर को मैंने यूज़ किया है। ऐसे मैंने उनसे चार कुशन कवर्स बनवा लिए थे जो सोफे पे रखे हुए बहुत ही अच्छे लगते हैं, आप देख सकते हैं। और ये नीचे आप देख रहे होंगे ये है बेडशीट जो बिल्कुल बेकार हो गई थी और ये काफ़ी स्लिपरी थी, तो यहाँ पर मैंने इसको सोफ़ा के कवर की तरह इसको यूज़ किया है और ये भी देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। ये एक हैंगिंग प्लांटर है, ये मेरी बेटी ने ही बनाया है और इसको इसने ऐसे ही स्माइलिंग फेस बनाया, ये साथ में मैंने यहाँ पर इसको इस तरीके से बना दिया है। और ये भी मेरे लिविंग रूम में रखा हुआ हैंग हुआ बहुत ही अच्छा लगता है। हालांकि ये मैं बहुत बार दिखा चुकी हूँ लेकिन ये है ही इतना खूबसूरत कि मैं हर बार दिखाती हूँ। और ये एक तवीशे के पास की रिंग होती थी, वो टूट गई तो मैंने इस स्टार को यहाँ पर लगा दिया है, तो ये भी यहाँ पर ऐसे चमकता रहता है ना, तो ये बहुत ही प्यारा लगता है। तो बस यही था एक छोटा सा वीडियो। अगर आपको कोई भी चीज़ इसमें से यूनिक लगी है, नया लगा है कुछ भी, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं जिन्हें हम वेस्ट समझते हैं, उन्हें हम यूज़ करके अपने घर को डेकोर कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। बस यही मैं आपको बताना चाहती थी। मिलूंगी आपको जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।